फिलहाल अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां सरकार को लेकर चल रहे शह और मात के खेल पर कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल ने बीजेपी और पीडीपी को अपने प्लान के साथ आने को कहा है। सबकी निगाहें बीजेपी के प्लान पर टिकी हैं। आखिर बीजेपी का प्लान क्या होगा, क्योंकि खुले तौर पर सारी पार्टियां पीडीपी को समर्थन तो दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्लान ऐसे में क्या है, राज्यपाल से क्या कहेगी बीजेपी। आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी, जिसके पास 25 विधायक पहले से हैं, वो 31 विधायकों के समर्थन का दावा करेगी। 6 निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट लेटर लेकर वो राज्यपाल को सौंप सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जो सबसे ताजा जानकारी है उसके मुताबिक आखिर किस आधार पर बीजेपी कहेगी कि हमें सरकार बनाने दीजिए? देखिए बिल्कुल श्वेता, बीजेपी का आधार यही रहेगा कि 25 विधायक उनके खुद के हैं, 6 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। राज्यपाल के पास वो 6 विधायकों का समर्थन का पत्र लेके जाएंगे और कहेंगे, उसके साथ साथ वो ये भी कहेंगे कि देखिए हमारा अलायंस सबसे बड़ा है, और दूसरा वो ये कहेंगे कि जो इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज है उसमें उनको सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिला है, लगभग 23.6% वोट उनको मिला है। और तीसरा वो एक और चीज कहने जाएंगे कि देखिए वो दावा ठोकेंगे सीएम पद का कि सीएम के लिए हम तैयार हैं, हम और ज्यादा बहुमत जुटाएंगे अगर आप हमें सरकार बनाने का मौका देंगे, 1 हफ्ते का टाइम वो गवर्नर से मांगने जा रहे हैं। जी, बहरहाल राज्यपाल ने बुलाया है, देखना है कौन सी पार्टियां एक साथ आएंगी, कौन होगा मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि कौन कौन कितने कितने साल के लिए मुख्यमंत्री होगा। यहां खंडित जनादेश ने सभी पार्टियों को खंडित खुशी दी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसी चारों को मालूम है वो खेल का हिस्सा है। अगर पीडीपी सरकार बनाती है तो हमारा उनको पूरा समर्थन हासिल होगा। हमने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया है। 24 घंटे में कश्मीर की राजनीति ने गजब की पलटी मारी। महज एक दिन पहले बीजेपी की सरकार बनती साफ साफ दिख रही थी, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा दांव चल दिया। सूबे की सियासत में पीडीपी से 36 का आंकड़ा रखने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुफ्ती साहब के नाम पर रिश्ते की गांठ खोल दी। दांव चलने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, पीडीपी को बिना शर्त समर्थन का संदेश कांग्रेस की तरफ से भी आया। हमने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया है, एनसी ने भी ऑफर कर दिया है, अब ये पीडीपी लीडरशिप को डिसाइड करना होगा कि क्या उनके लिए, स्टेट के लिए और पीडीपी अपनी पार्टी के लिए अच्छा रहे। बीजेपी की उम्मीदों में पलीता लगाने की कोशिश छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी की। कल तक साथ दिख रहे निर्दलीय उम्मीदवारों में से 2 ने बीजेपी से बीच राह में ही कन्नी काट ली। हालांकि पेच अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। पीडीपी ने शर्त रख दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लिखित समर्थन मांगा है, तो बीजेपी से बातचीत के दरवाजे भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव की पीडीपी नेता मुजफ्फर बेग से 2 राउंड की बात हो चुकी है। पीडीपी चाहती है कि पूरे कार्यकाल तक उसका मुख्यमंत्री हो, इतना ही नहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। विवादित मुद्दे मसलन धारा 370 और कॉमन सिविल कोड पर बीजेपी कोई चर्चा ना करे, विकास और सुरक्षा अहम एजेंडा हो। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए तमाम घटनाक्रमों में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब देर शाम राज्यपाल ने बीजेपी और पीडीपी दोनों को राजभवन बुला लिया। राज्यपाल चाहते हैं कि दोनों अपना प्लान बताएं, ये प्लान कितना पुख्ता होगा इसी पर नई सरकार की बुनियाद तय होगी। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल ये उठता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों का समर्थन पीडीपी को है तो फिर पेच क्या है, क्योंकि 28+15+12 यानी 55, फिर भी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो रही है, बस बयानबाजी की जा रही है। इसी के बीच एक दिलचस्प आकलन पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आया। राज्यपाल एनएन वोरा के बुलावे के फौरन बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में कहा, ऐसा लगता है जैसे पीडीपी बीजेपी के साथ माइंड गेम खेल रही हो। पीडीपी ऐसे खत का दावा कर रही है जिसका कोई अस्तित्व तक नहीं। हमने पीडीपी को मौखिक तौर पर समर्थन देने की बात कही थी। यानी उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को समर्थन देने से सीधे सीधे इनकार नहीं किया है, बस ये कहा है कि मौखिक समर्थन दिया था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बाद में बाकायदा एक बयान भी जारी हुआ जिसमें पीडीपी को समर्थन देने की बात कही गई थी। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी नेता महबूब बेग जुड़ रहे हैं। बेग साहब, आपको तो सब समर्थन देने को तैयार है, फिर मसला क्या है, क्या मुश्किल है, क्यों नहीं सीधा ऐलान कर रहे हैं आप लोग? जी, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी। देखिए पार्टी का कोर ग्रुप है,
पार्टी का पार्लियामानी ग्रुप है वो बैठ के डिसाइड करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आप एक सेंसिटिव स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है उसको लेके कर रहे हैं, तो इसके डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, उनका उनको ध्यान में रखे हुए रीजन्स हैं, सब रीजन्स हैं, ये सब कई बातें देखनी है। और आपको कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके आपको पता है इसके इंटरनल डायमेंशंस हैं, एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, तो जल्दी से कोई फैसला करने वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके तभी कोई फैसला हो सकता है। संवेदनशील स्टेट के हिसाब से बयान संवेदनशील नहीं आ रहे हैं, आपकी पार्टी के भीतर अलग अलग बयान आ रहे हैं, कोई बीजेपी को चाहता है, कोई कहता है बीजेपी का साथ किसी कीमत पर लेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, इसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने तो खुद कहा है, देखिए ये बीजेपी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात नहीं है, सवाल है डेमोक्रेटिक सेटअप में क्लियर कट है, जिसके पास नंबर्स है, नंबर्स तो एक ही पार्टी ने नहीं लिए, तमाम रीजन से, पहले तो मेहरबानी करके कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनी इंडिया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की खूबसूरत मिसाल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सब कुछ एकोमोडेट हो सकता है, मगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट की वजह से ये सब चीज़ें कंसिडर करनी जरूरी है, ताकि इसकी यूनिटी को कोई ठेस न पहुंचे और ये यूनाइटेड रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये सेंसिटिविटीज को कंसिडर करके बीजेपी पीडीपी की बात नहीं है, जो भी कॉम्बिनेशन, पहले तो आपको वर्डिक की रिस्पेक्ट करनी है, जम्मू से आए, कश्मीर से आए या लद्दाख से आए, जो भी लोगों ने वर्डिक दिया है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर रीजन की के एस्पिरेशंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ऐसी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए जो तमाम रीजन्स को एक्सेप्टेबल हो, ताकि वही स्टेबल हो और जो गवर्नमेंट परफॉर्म कर सकेगी, डिलीवर कर सकेगी और लोगों के काम कर सकेगी। बहुत धन्यवाद महबूब बेग साहब। हालांकि जिस तरह की बातें आ रही हैं उस सब के बीच सवाल अभी भी कायम है, जैसे पूरी वादी कोहरे में लिपटी है, राजनीति पर भी उतनी ही धुंध है, हर पार्टी अपनी सरकार अपनी भागीदारी को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी नेता हिना भट्ट का तो यहां तक कहना है कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात कर सकते हैं। देखिए, बातचीत हो रही है, दोनों दलों से बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें जम्मू और श्रीनगर वैली को बैलेंस करना है, जो दूरियां हैं, तो पीडीपी और बीजेपी को साथ में आ जाना चाहिए, चाहे उनकी सीटें कितनी हैं और हमारी कितनी है। एक बैलेंस गवर्नमेंट बनाना जल्द से जल्द बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। 30 साल पुराने जख्मों पर आज चुटकी भर मरहम लगाई गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में सिख दंगा पीड़ितों के बीच पहुंचे थे। नियत अच्छी सही, महज 17 को मुआवजा पीड़ितों के दिलों में छटपटाहट छोड़ गया। उस तूफान को गुजरे 30 साल हो गए, लेकिन जिक्र होते ही पुराने जख्मों को हरा होते देर नहीं लगती। ये तूफान उसी का सबूत है, लेकिन देश के सेक्युलर ताने बाने पर धब्बे की तरह चिपके उस दंगे पर राजनीति की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दिल्ली चुनाव की दहलीज पर खड़ी है तो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी चंद चेक हाथों में थामे मंच पर खड़े हो गए। जरा सुनिए, 2459 की जमात में सिर्फ 17 दंगा पीड़ितों को राहत की रकम थमाकर राजनाथ सिंह खुद कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। 30 वर्ष पहले जो वारदात हुई थी उसका दर्द सामने से देखकर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उनकी आंखों में झांक कर ही उस दर्द को समझा जा सकता है। और मैंने देखा कि वह दर्द आज भी उनकी आंखों में समाया हुआ है। मैं जानता हूं कि इस दर्द को हम दूर नहीं कर सकते, लाख या करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तब भी उस दर्द को दूर नहीं किया जा सकता, उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती, इस हकीकत को भी मैं जानता हूं। यह कार्यक्रम पश्चिमी दिल्ली के एक इलाके में हुआ। ये वो इलाका है जहां बेकसूरों पर सबसे ज्यादा कहर टूटा था। इस इलाके के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं। मंच पर प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे। मौका ही कुछ ऐसा था कि इलाके के सांसद भी 30 साल पहले के उस खतरनाक मंजर का मातम मनाने से खुद को रोक न सके। ठंड का दिन था, सुबह जब वो कत्लेआम शुरू हुआ तो मुझे याद है पिताजी ने
दो परिवारों को अपने घर में चार दिन तक वहां पर छुपा कर रखा और उसी की वजह से उनकी जान बची। वो कत्लेआम कोई भूल नहीं सकता। चंद घरों में ही सही केंद्र सरकार की मदद से उम्मीदों के दिए तो जले, कुछ सुकून तो मिला, लेकिन सवाल ये कि 17 ही क्यों? सवाल ये भी कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने से पहले ही ये चेक्स क्यों? दिल्ली में श्वेता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।